बढ़वा के ग्राम बड़ूद में टोल नाके पर सनावत बेड़ियां बड़ूद और आसपास के व्यवसायिक और भारवाहक वाहनों से टोल लिए जाने पर लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार को वाहन चालकों ने बढ़वा में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध किया। इसके बाद एसडीएम अनुकूल जैन और तहसीलदार रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सनावत नगर सहित आसपास के व्यापारियों वाहन मालिकों और चालकों ने टोल में छूट दिए जाने की मांग की। वाहन मालिकों ने कहा कि 15 जुलाई से ग्राम बड़ूद के आगे टोल चालू किया गया है। कंपनी द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। स्थानीय वाहन मालिक बड़ूद एवं बेड़िया के बीच अपने वाहन संचालित करते हैं, उन्हें टोल में छूट देना चाहिए। टोल शुल्क वसूले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि क्षेत्र में वाहनों को यहाँ से बार बार गुजरना होता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? सनावत से खरगोन के बीच में जो टोल चालू हो गया है उस संबंध में सब इकट्ठे हुए कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, लोडिंग वाहन वाले हैं। हमारे सेना ये है जो टोल चालू हुआ सनावत से खरगोन के बीच में वो हमारे सनावत बेड़े वालों को छूट दी जाए। क्या इस विषय में हम सब जन इकट्ठे हुए हैं, या तो टोल को हटाया जाए या तो हमारे को रियायत दिया जाए, हम टोल नहीं दे पाएंगे। क्यों? हम सनावत लोकल चलते हैं, सनावत बेड़ाओं के बीच में वहाँ कोल्ड है, दो तीन मिर्ची वाला हम भी मिर्ची मंडी से माल डालते खलते, तो हम किसी प्रकार का टोल देने लायक नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। ये टोल कब से शुरू हुआ है? अचानक चालू हो गया है, रोड तो अभी कोई नया कोई काम ही नहीं हुआ है, वहाँ पे एकदम से टोल चालू कर दिया। कल के कल में घुमटी ला के रख दी, रोकेंगे नाका तो देना ही पड़ेगा बोलते हैं। कोई वालों से आपने चर्चा करी? करी थी, कोई ढंग से बात करने को तैयार नहीं है, ना रसीद दे रहे हैं, सिर्फ पैसे चाहिए उनको, नहीं है आपके पास तो फोन पे डलवाया, कहीं उससे डलवा भी लिए उन्होंने। दादागिरी करते हैं बोलते हैं। आज आपने कहाँ पे शिकायत करी? हमने सनावत थाने पे आवेदन दिया है, विधायक साहब को बोला है, अभी एसडीएम साहब का आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? जगदीश राठौर, सनावत बेड़िया के हैं। जितने भी यहाँ पर गाड़ी वाले भाई लोग हैं, भाई लोग सनावत बेड़िया के मिलकर ये इन लोगों ने अचानक टोल खड़ा कर दिया है बड़ूद के बीच में, बड़ूद और बेड़िया के बीच में। तो हमारा कहना है कि भैया हम सब लोकल हैं, हम 200 रुपए का भाड़ा फेंकने वाले हैं, 200 रुपए टोल कहाँ से दे पाएंगे? तो हमारा कहना यह है कि यह टोल यहाँ पर चाहे तो बंद होना चाहिए, या फिर 15 किलोमीटर की रेंज में जो गाड़ी आ रही है वो टोल हमको फ्री चाहिए। हमने हमारी शिकायत विधायक साहब के पास भी करी, विधायक साहब के पास भी गए थे, सनावत थाने पर टीआई साहब के पास भी हमने आवेदन दे रखा है, और बड़वा में एसडीओ साहब को भी आवेदन दिया है हमने। हमारे पास यही मांग है। ये टोल टैक्स वाले किस तरह कैसे पैसे लेते हैं? मतलब ये टोल टैक्स वाले कोई रसीद नहीं देते, कुछ नहीं, टोल ले लेते हैं। और कहने का मतलब उनका ये कि आप ये दादागिरी कर रहे हो, आप जानते नहीं हो किनका टोल है, ये शब्द ऐसा बोलते हैं। प्रत्येक वाहन के कितने पैसे लेते हैं? ये प्रत्येक वाहन के एक आदमी से पिकअप वाले से लिए इन्होंने 200 रुपए, एक आयसर वाले से लिए 384 रुपए, उसके बीच में हम सब जितने भी गाड़ी वाले भाई लोग हैं सब टोल पर आकर इकट्ठे हुए और इनको मना करा। उसके बाद में ये हमको धमकी देते उल्टे कि आप जानते नहीं हो किसका टोल है, ये किनका टोल है, आपको दादागिरी बता रहा हूँ, बोले आपको टोल तो देना पड़ेगा। तो भैया हम कहाँ से टोल देंगे? बस हमारा ये प्रस्ताव है कि ये टोल हमको फ्री किया जाए। मेरी गाड़ी बेड़िया से सनावत चलती है 15 किलोमीटर की रनिंग में, भाड़ा बनता है 400 रुपये, जिसमें से 200 का मैं डीजल डाल देता हूँ, और 200 रुपये इन्होंने कल मेरे से टोल टैक्स ले लिया। उसके बावजूद डीजल और टोल टैक्स में भाड़ा बराबर हो गया है, और दिन में मेरी गाड़ी करीबन 4 से 5 बार सनावत आती है बेड़िया से। 20 बोरी मिर्ची लेके आई थी जिसका भाड़ा बनता है 400 रुपये, इन्होंने 200 तो इन्होंने ले लिए, 200 का मैंने डीजल डाल दिया। और यहाँ मेरे साथ जितने भी भाई है ये सभी भाइयों की छोटी गाड़ी है, पिकअप है, छोटा हाथी है, 3 पहिए का टेम्पो है, और हमारा भाड़ा सिर्फ 400 से 500 रुपये का रहता है, जिसमें से इन्होंने 200 रुपये तो हमारा ले लेते हैं। तो अब हमने कमाना क्या, खाना क्या, और किस्त कैसे भरना? मेरी गाड़ी की किस्त करीबन 15,700 रुपये की है, मैं अगर 500 रुपये रोज़ कमाता हूँ तब जाके मैं किस्त भर सकता हूँ, और वो ये 200 रुपये ले लेंगे, 300 का कोई मतलब ही नहीं है, किस्त तो भराएगी नहीं, 9,000 रुपये महीने बनता है 300 के हिसाब से, और मेरी कमाई मात्र 500 रुपये की, और मेरे साथ में जितने भी भाई हैं यहाँ सभी की कमाई 500 रुपये की है, 500 रुपये पर डे हमको मिलता है बेड़िया से सनावत जाने का। और कल हमारे साथ दादागिरी करी गई, वहाँ जबरदस्ती मेरे ड्राइवर से 200 रुपये छीन लिए उन्होंने, 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित शर्मा है, बेड़िया का रहने वाला हूँ, और मेरे पास पिकअप छोटा वाहन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।